स्टूडेंट, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत हमने पोल्ट्री सेक्शन में पोम पढ़ी थी अ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम इस पोम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आपने वो पोम नहीं समझी है तो एक बार पुनः उस पोम को बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि आप उसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी नीड टू बी सॉरी द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रन इट। इफ एट ऑल दे डिड इट वॉज टू कंप्लेन। विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, वॉट वॉज देयर कंप्लेंट अबाउट। अब क्या बोलते हैं कि जो सिटी से जो जाते हैं कंट्री साइड यानी देहात के क्षेत्रों में, वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं रोड साइड पे बनी हुई दुकानों पे या रोड साइड स्टैंड पर जो वहां पर रहते हैं। तो यदि कुछ करते भी हैं तो उनकी क्या शिकायत रहती है? आप ये शिकायत किन लाइनों में व्यक्त की गई है उन्हें समझाइए। देखें, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड और इफ इवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विथ एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है, ये पूरा का पूरा पोम से लिए गई लाइनें हैं और इन्हीं लाइनों को आपको यहाँ पर व्यक्त करना। तो यहाँ बता रहे हैं जो चमचमाती गाड़ियों में यहाँ से जो ट्रैफिक पास होता है वो बिल्कुल अपने उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। बहुत मुश्किल से वो आगे पीछे देखा करता है और वो देखता भी है तो उसको लगता है कि एक बहुत सुंदर से लैंडस्केप में ये जो रोड साइड स्टैंड है वो कैसे दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं। और वहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल का जो एन है वो रॉन्ग लिखा हुआ है और एस भी है जो वो रॉन्ग तरीके से मुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। अब गांव के लोगों की जो याचना है या जो विनती है वो रोड साइड स्टैंड वालों की कैसी रहती है? द रूरल फोक्स pleaded pathetically for some customers to stop by and buy some of their goods. City folks used to pass by on this road and hence the rural folks set up the roadside stand to attract their attention and sell their goods. अब जो गांव के लोग एरियाज के जो लोग रहते हैं वो बहुत दयनीय अवस्था से भी प्लीड करते हैं कि कोई कस्टमर उनके पास आए और उनके गुड्स को, उनके जो सामान है वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं खरीदे, क्योंकि जो सिटी से आने वाले लोग हैं वो सीधे सीधे रोड से होकर के निकल जाते हैं और वो लोग वहाँ इस आशा में बैठे रहते हैं कि शायद वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, अपना अटेंशन दिखाएं और वो उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सके। प्रोडक्ट क्यों बेचे? ताकि उनको कुछ पैसे प्राप्त हो सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन करके याद करिए। आप टू टू या थ्री थ्री लाइन करके याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, द गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू देम नो गुड। पिक आउट द वर्ड एंड फ्रेजेस पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड। अब क्या बोलते हैं कि हमने देखा है अक्सर कि जो गवर्नमेंट जो शासन है वो और जो सोशल सर्विस करने वाले जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो हमेशा पुअर पीपल्स को और गांव के पुअर पीपल्स को भी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन वास्तव में ये उनके द्वारा अच्छा कार्य नहीं होता। ऐसे कुछ शब्द इस पोएट्री से निकालिए जो उनका कौन सा स्टैंडर्ड शो करते हो, डबल यानी दोहरा मापदंड, एक ही कार्य को करने का डबल स्टैंडर्ड शो करते हो, ऐसी उन पंक्तियों को आपको लिखना है। तो देखते हैं,
आंसर है द पोएट क्रिटिसाइज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज। अब ये जो कवि है वो दोहरे मापदंडों वाली शासन जो सत्ता है वो और सोशल सर्विस करने वाली एजेंसियों की भी क्या करता है, आलोचना करता है। हु प्रोमिस्ड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर फार्मर एंड शो देम द रोजी साइड ऑफ लाइफ। जो कि क्या करते हैं, जो पुअर फार्मर गरीब किसानों के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का प्रॉमिस करते हैं और उनको रोजी साइड यानी गुलामों भरी बेड जैसे दिखा के रखते हैं उनकी जिंदगी की। येट व्हेन द टाइम कम्स टू डिलीवर देयर प्रॉमिस, जब वो समय आता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करें, दे ईदर फॉरगेट देम और फुलफिल देम कीपिंग इन व्यू देयर ओन बेनिफिट। तो या तो वो उनको वादे को पूरा निभाने को भूल जाते हैं या फिर उनको तभी पूरा करते हैं जब उनका कोई उसमें लाभ जुड़ा होता है। मतलब जो संस्थाएं जो एजेंसीज हैं वो अपने लाभ के लिए उन वादों को पूरा करती हैं, बट एक्चुअल में वो उसके लिए वर्क नहीं कर रही हूँ। द पोएट कॉल देम ग्रीडी गुड डूअर्स, इसलिए कवि ने उनको क्या बोला है, ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है। एफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ऐसा शिकार जो सिर्फ जो शिकार को ध्यान रखते हैं अपने शिकार के लिए। हु स्वांग ओवर देयर लाइफ, जो कि उस शिकार की तरफ चारों तरफ मंडराते रहते हैं, ऐसे डबल स्टैंडर्ड उन्होंने किसको कहा, द गवर्नमेंट को और सोशल सर्विस एजेंसीज को कहा। नेक्स्ट देखें, द पोएट सेज दैट दीज ग्रीडी पीपल मेक कैलकुलेटेड एंड वेल थॉट ऑफ श्रूड मूव्स टू विच द इनोसेंट अनअवेयर फार्मर्स फॉल प्रे। पोएट ये भी कहते हैं, कभी ये भी कहते हैं कि ये लालची लोग बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत गणना करके रखते हैं अपने किसकी लाभ की, अपने लाभ और हानि की गणना करके रखते हैं, और उनके इन चालों में ये जो इनोसेंट लोग हैं वो इसके अंदर शिकार की तरह फंस जाते हैं। दीज हम सिंपल फार्मर आर रॉब्ड ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड बाय दिस क्लेवर पीपल, और ये इतने हम्बल इतने साधारण और बहुत विनम्र जो किसान है वो अधिकतर उनकी शांति जो है, उनके दिमाग की जो शांति है, इन चालाक लोगों के द्वारा लूट ली जाती है। ये चालाक लोग उनके मन की शांति को भी चुरा लेते हैं। द पोएट सेज एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप ऑल द डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड एंशियंट वे। तो अभी अभी कविताओं में कवि क्या कहता है कि इनको लाभ दिलाने का लालच दे करके और उनको अच्छी जिंदगी दिलाने का लालच दे के इनका ये चैन चुरा लेते हैं, और उनको ये सिखाते हैं कि दिन में कैसे सोया जाए, और ऐसा दिन में सुला करके वो उनकी रातों की नींद जो कि प्राचीनतम तरीका है उसको भी चुरा लेते हैं। यद्यपि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी हम इसको एक एक स्टेंजा ये करके करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। अब यहाँ पर बचपन की लालसा क्या कहा गया है और ये विरुद्ध क्यों है, इसके बारे में देखना है, ये व्यर्थ क्यों है। द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रन द रोड साइड स्टैंड सफर फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉन्गिंग। अब उसके बचपन की लालसा क्या है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वालों को देखता है क्या पीड़ा में गुजरते हुए, तो इनकी पीड़ा दूर करना चाहता है, वो उसकी लालसा है। दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर देयर परस्पेक्टिव कस्टमर्स, कीप देयर विंडोज ओपन टू अट्रैक्ट देम। वो हमेशा कस्टमर यानी जो खरीददार हैं उनकी अपेक्षा में रहते हैं, इसलिए वो अपनी उन खिड़कियों को खोले रखते हैं ताकि आकर्षित हो सके। दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न्स अप, दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हेयर द स्क्वील्स ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, बट ऑल देयर एफर्ट्स नो सॉरी ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। अब क्या बोलता कि वो जब उदास हो जाते हैं कि उनकी तरफ उनकी दुकानों की तरफ कोई नहीं मुड़ता है, वो सुनना चाहते हैं कि कोई तो आए और उनके गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज उनके कानों में सुनाई दे या उनको रुकती हुई कार के साउंड सुनाई दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब व्यर्थ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच लाइन्स टेल्स अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल
पीपल। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा असहनीय दर्द है जो कि रूरल पीपल को होता है और जो पोएट फील करता है। आंसर, फिल्ड विद एम्पैथी द पोएट इज अनेबल टू बियर द लाइट ऑफ द अनएज्यूमिंग एंड इनोसेंट रूरल पीपल। वो बहुत ज्यादा सहानुभूति से भर जाता है पोएट, और वो इनकी जो इनोसेंट पीपल रहते हैं गांव के, इन लोगों की असहनी और दुर्दशा को नहीं सहन कर पाता। द लाइन बिलो शोज हिज इनसफरेबल पेन। ये लाइनें जो यहाँ दी गई हैं वो उसका असहनी दर्द को बताती हैं। समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। यानी समय में सोचता हूँ कि मैं एक ऐसे बचपन की लालसा वाले विचार के साथ घूम रहा हूँ जो कि व्यर्थ है। The sadness that lurks near the window there, they wait all day in almost open prayer. और इनके यहाँ पर जो दुख की और जो उसकी परछाई, जो उदासीपन मैं देखता हूँ खिड़कियों में, वो पूरा दिन वेट करते हैं एक प्रेयर के रूप में कि कोई कस्टमर मेरे पास आ जाए। तो बच्चों, ये थे क्वेश्चन आंसर अ रोड साइड स्टैंड के। मुझे आशा है कि आप इसे याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन समझेंगे।